अस्सलाम वालेकुम कदरमनो लिदुन को एहसान फारूक लेसाइड ना इज अ मीडिया स्पेशलिस्ट दमहाल द मॉल ऑफ हंगू पसाइड बाने मौजूद यू गोरेरा सरा द एसटीएस मार्केटिंग ट्रेनिंग मैनेजर आसिया खानम कदरमनो हंगू ते विजिट करे जमुंगा चिकम द मॉल ऑफ हंगू पहावाली सरा या द एसटीएस मार्केटिंग पहावाली सरा जमुंगा चिकम दल टीम दे अगोईता दलता ट्रेनिंग वर्क यो गुख्तल मोची द मॉल ऑफ हंगू पसाइड बांदे दे अवाम ता जमुंगा चिकम द डिवीजन द कोहाट नरवाखला तर द पड़चिनार पोरे द खलक या दिन एलवा जमुंगा चिकम ओवरसीज मुसाफरान दे अगोईता द मॉल ऑफ हंगू पहावाली सरा सत तफसीलात वर्क यी और सब वाई कदमनो ग्वाड़ मची मैडम सर मुमिलाम को मैडम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मैडम सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ कि हंगू का विजिट किया आपने मॉल ऑफ हंगू के हवाले से जो यहाँ पे हमारी टीम है उनको आप ट्रेनिंग देते हैं मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बिल्ड के लिए कोहाट से लेकर पड़चिनार तक ये जो डिवीजन है यहाँ पे सिर्फ पहला मॉल है जो मॉल ऑफ हंगू के नाम से यहाँ बनाया जा रहा है और इस इलाके की इस बिल्ड के लोग जो है ना ज़्यादातर मुसाफिर यानी आउट ऑफ कंट्री होते इन लोगों के लिए मॉल ऑफ हंगू के हवाले से क्या पैगाम देंगे जी एहसानुल्लाह शुक्रिया आपका बहुत मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि वैसे सबको पता है कि मॉल ऑफ हंगू अपने में ही एक यूनिक मॉल हम बना रहे हैं ठीक है इस तरह का कोई भी मॉल पहले इस पूरे बेल्ट में एग्जिस्ट नहीं करता था जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो इस जगह से बिलोंग करते हैं मैं उनको यही मशवरा दूँगी कि एक ना एक दिन तो अपने वतन वापस आना है तो क्यों ना ये मौका है उनके लिए इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि वो अपने ही जगह पे अपने लोगों के लिए अपने लिए कुछ जो है वो सेविंग्स कर लें क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हम ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं दूसरा हमारे पास यहाँ पर लोगों की देखिए तिब्बी इमदाद यहाँ पर अस्पताल की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं थी तो मॉल में सबको पता है कि भाई हम अस्पताल भी बना रहे हैं ठीक है सो मैं सबको यही कहूँगी कि ये इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उनके लिए और क्योंकि देखें आप लोग यहाँ के जो लोग हैं वो जाते हैं दूसरे बड़े बड़े शहरों में जाते हैं शॉपिंग के लिए और उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए तो मैं सबको यही कहूँगी कि ये एक वो वाहिद जगह है वो वाहिद गढ़ उनके लिए साबित है होगा इंशाल्लाह जहाँ पर उनके लिए तमाम सहूलियात हम एक छत के नीचे मुयस्सर करवा रहे हैं चाहे वो तिब्बी साइट पर हों या पर फिर उनके जो डेली के यूज़ के हैं या कोई वेडिंग है कुछ भी है मतलब डेली यूज़ से लेकर हर चीज़ जो है उनको यहाँ पे दस्तियाब होगी तो मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी बल्कि उनको इनवाइट करूँगी जो हमारे ओवरसीज़ हैं या विद इन द पाकिस्तान भी इस जगह के लोग हैं और कहीं और रह रहे हैं तो उनको मैं ये कहूँगी कि अपनी जगह पर वापस आएँ और यहाँ पर आएँ इधर इन्वेस्टमेंट करें और अपनी ज़िंदगी अपनी जगह पर जिस तरह देखें अपने लोग होते हैं हम एक दूसरे को मिस करते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो हमारी छोटी छोटी खुशियों को मिस करते हैं तो यहाँ पर उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो आएँ इन्वेस्टमेंट करें और अपनी ज़िंदगी सकून से अपनी जगह पे गुजारें मैम यहाँ पे इस बिल्ड में प्लाजे की कंसेप्ट है ये एक नया सोच है एक नया ख्याल है क्या चेंजिंग ऐसे मतलब मॉल आने से आते हैं इस एक इलाके में ठीक है अच्छा देखिए जिस तरह हमारा ये पूरा इलाका है ना देखिए प्लाजे में मेन बाज़ार है प्लाजे तो वहाँ पर लोग अपनी ख़वातीन को ले जाना बच्चों को ले जाना सेफ नहीं होता ख़वातीन को बाहर नहीं लेकर आते फिर हमारे पास यहाँ पर देखिए फूड कोर्ट की भी फैसिलिटी है तो यहाँ पर हमारे पास सेफ इन्वायरमेंट है लोग अपनी फैमिली के साथ आएँगे अपनी ख़वातीन के साथ आएँगे बेशक ख़वातीन जो है वो शॉपिंग करें बच्चे फूड कोर्ट में उधर जो है बैठेंगे खाना पीना भी होगा तो हम एक फैमिली एनवायरनमेंट दे रहे हैं प्लाजे में आप एक फैमिली को नहीं लेकर जा सकते तो हमारा जो मॉल का कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए आया है कि हम सारी चीज़ों को एक छत के नीचे उनको सहूलत प्रोवाइड करें तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि फैमिली ओरिएंटेड हो जाएगा सबके लिए कि एक ही छत के नीचे ख्वाह वो मर्द है या औरत उनको सारी फैसिलिटीज़ यहीं पर मिल जाएंगी उनके बतौर एस टी एस मार्केटिंग के एक जिम्मेदार शख्स और इसके साथ साथ एक ट्रेनिंग मैनेजर आवाम को क्या पैगाम देंगे आवाम को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोग हमारी बेशक साइट पे विज़िट करें हमारा काम जो है वो ऑलमोस्ट देखिए कंप्लीट हो रहा है दिन रात लोग काम यहाँ पे करें तो एक ज़िम्मेदार शहरी होने के हिसाब से तो मेरा इतना ये ख्याल है कि आप जिस जगह के होते हैं आपका सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है उस जगह को संवारना उस जगह की उसके लिए फ्यूचर के लिए काम करना तो आई गेस कि यहाँ पर लोग आएँ और अपने फ्यूचर को अपने जनरेशन की जो फ्यूचर इस जगह पे जितना पोटेंशियल है लाइक मैं पहली एक दो दफ़ा हंगू आई हूँ तो मेरा यही ख्याल है कि यहाँ पर जितना पोटेंशियल है शायद ही कहीं और हो तो मैं सबको ये पैगाम देना चाहूँगी कि अपनी जगह पर आएँ अपनी जगह को संवारें ताकि लोग शहर से यहाँ पर आएँ ना कि यहाँ के लोग शहर उठ के जाएँ बहुत शुक्रिया मैडम आपका कदरमनुलिदुन को बतौर ट्रेनिंग मैनेजर आसिया खानम द मॉल ऑफ हंगू द साइड ना खपल इजहार ख्याल दद खलक द पारा दद इलाके द पारा दद इलाके द परमख्तक द आबादी द पारा पैगाम शरीक लो कदर मनो चरता छुई खाद आबाद रहते उसे शुक्रिया।